बतौर टीम मेंटर क्या होगा महेंद्र सिंह धोनी का रोल टीम इंडिया में, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कागज पर महेंद्र सिंह धोनी को भले ही टीम का मेंटर बनाया गया हो, लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ टीम को मेंटेन करके ही छोड़ देंगे, या फिर उनका जो रोल होगा वो उससे अहम होगा और वो उससे अहम जिम्मेवारी निभाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी वाला जो फैक्टर टीम में था उसको टीम इंडिया काफ़ी दिनों से मिस कर रहे थे, और खास करके विराट कोहली जो हमेशा जब तक महेंद्र सिंह धोनी खेले उनसे बातें करते रहते थे, बीच में उनसे सलाह लेते थे और उनकी एडवाइस को जो है मानते भी थे, और ये सारी चीज़ विराट कोहली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी जब भारतीय टीम के साथ बतौर मेंटर के रूप में जुड़ेंगे तो क्या उनका रोल सिर्फ मेंटर का ही होगा? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब ड्रेसिंग रूम में होंगे तब जो है वातावरण पूरा बदल जाएगा, और महेंद्र सिंह धोनी का कद भी इतना बड़ा है टीम में कि उनके होने से अपने आप जो पूरा माहौल है उसमें बदलाव आएगा, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं टीम में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फिलहाल जितने भी काम है वो सभी रवि शास्त्री संभालते आ रहे हैं क्योंकि वो टीम इंडिया के हेड कोच है, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी भी होंगे, और महेंद्र सिंह धोनी को जो राइट्स है, जो पावर्स है, जो उनके पास कह सकते हैं कि हम दायित्व है, वो रवि शास्त्री के बराबर ही है। यानी कि जितने पावर रवि शास्त्री के पास है उतने ही पावर महेंद्र सिंह धोनी के पास भी है, दोनों एक ही लेवल पर काम करेंगे, ये बात बीसीसीआई पहले ही स्पष्ट कर चुका है। तो ऐसे स्थिति में जब दोनों साथ काम करेंगे, दोनों का साथ दिमाग चलेगा और दोनों मिल करके जब गेम प्लान बनाएंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जो पहले से वहाँ पर एक माहौल सेट है, जो स्टेज सेट है, जो पैटर्न सेट है, उसे में महेंद्र सिंह धोनी को एडजस्ट करना ये अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। और एक बात निश्चित रूप से स्पष्ट है कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ मेंटर के तौर पर टीम में नहीं जुड़ेंगे, जब वो रहेंगे तब बैट्समैन को बैटिंग स्किल, बॉलर्स को बॉलिंग स्किल, और खास करके स्पिनर जो भारतीय स्पिनर है उनको जो काफ़ी दिनों से महेंद्र सिंह धोनी को मिस कर रहे थे, उनको वो चीज़ मिलेगी, वो मंत्र मिलेगी, वो गुरु मंत्र मिलेगी महेंद्र सिंह धोनी से, जो वो चाहते थे, जो उनकी कामयाबी में जो है एक अहम हिस्सा रोल प्ले करते हैं। तो सारी चीज़ें महेंद्र सिंह धोनी देंगे, उसके बीच में जो स्ट्रेटेजी होगी किस तरीके से खेलना है, किन किन खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में रखना है, ये सारी चीज़ में भी महेंद्र सिंह धोनी का अहम रोल अब होने वाला है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो महेंद्र सिंह धोनी जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा काम अब उनको टीम इंडिया में दिया गया है, तो देखना होगा कि उनके रोल में क्या क्या दिया गया है। ये तो जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तब हमें पता चलेगा कि उनको किस किस चीज़ की जिम्मेवारी दी गई है और वो किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनका जो रोल होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उनके रोल के आधार पर ही टीम इंडिया का आगे का जो सफ़र होगा वो तय होगा। तो आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का ड्रेसिंग रूम में होना, टीम इंडिया के साथ मेंटर के रूप में होना कितना बड़ा फायदामंद हो सकता है भारतीय टीम के लिए, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या रोल निभाएंगे, उनकी जिम्मेवारी क्या क्या है और उनको क्या क्या करना चाहिए, ये भी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जैसे ही अपडेट आएगी हम जरूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ।